हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको एक्सेल के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वी लुकअप फॉर्मूले का यूज़ करना बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा डेटाबेस आप देख रहे हैं जहाँ पर नाम है, डेजिनेशन है एंड सैलरी। यहाँ पर कुछ नाम हमने लिखे हैं, यहाँ पर उनकी डेजिनेशन लिखी मतलब उनकी पोस्ट क्या है एंड यहाँ पर उनकी सैलरी क्या है। अब हमें यहाँ पर करना क्या है कि हम यहाँ पर नाम लिखें और उनकी सैलरी नीचे आ जाए, मतलब वी लुकअप फॉर्मूले का हमें यूज़ करना है कि हम यहाँ पर जो भी नाम दें उसकी सैलरी हमारी यहाँ पर आ जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वी लुकअप फॉर्मूला। तो उसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल साइन, फिर फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल साइन कंपलसरी, फिर आपको यहाँ पर लिखना है वी लुकअप लिखेंगे, फिर यहाँ पर ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद सबसे पहले आप देखें यहाँ पर लुकअप वैल्यू। अब हमें क्या लुकअप करना है, हमें नाम को लुकअप करना है। तो हमें इस सेल को सेलेक्ट कर लेना है, नाम लुकअप हो जाएगा। लुकअप वैल्यू में आपको उसको देना है जिस वैल्यू को आप लुकअप करना चाहते हैं, मतलब जिसके हिसाब से आप डेटा लाना चाहते हैं। मान लीजिए आप एम्प्लॉय आईडी दे रहे हैं तो एम्प्लॉय आईडी होना चाहिए, रोल नंबर दे रहे हैं तो रोल नंबर होना चाहिए, अकाउंट नंबर दे रहे हैं तो अकाउंट नंबर होना चाहिए। हमारे में क्या है, नाम है तो हमने नाम को सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर ये हो गया। फिर कॉमा आता है, फिर क्या पूछता है, टेबल एरे। टेबल एरे क्या है, कहाँ से लाना है। तो हमें कहाँ से लाना है कि हमारा छोटा सा डेटाबेस ये है, यहाँ से हमें इस डेटाबेस में से ढूंढ के बताओ आप। फिर कॉमा, कॉमा के बाद क्या पूछता है, कॉलम इंडेक्स नंबर, किस कॉलम से लाना है। तो हमें क्या लाना है, सैलरी लाना है। तो सैलरी हमारा किस कॉलम में, हमारे डेटाबेस में। तो आप देखें यहाँ पर सैलरी किस कॉलम में आ रहा है। आप पहला देखें यहाँ पर नाम का है, दूसरा डेजिनेशन का है, तीसरा सैलरी का, तीसरे नंबर पे। पर यहाँ पे एक चीज़ आप और भी ध्यान दें, यहाँ पर आप ऊपर भी देख रहे होंगे ए बी सी, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं कि हमारे ये सी पे आ रहा तभी हमारा तीन होगा। मान लीजिए हमारा जो डेटा बनाना हमने स्टार्ट किया डी से बनाना शुरू किया तब भी ये हमारा तीन ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हम यहाँ पर गिनना स्टार्ट करते हैं, काउंट करना शुरू करते हैं, जहाँ से हमारा डेटाबेस शुरू हुआ है, ये एक, ये दो, ये तीन, हमें इस डेटाबेस से मतलब है, ना कि ऊपर ए बी सी डी से कोई लेना देना नहीं होता। तो इसको जरूर ध्यान दें। फिर हमें यहाँ पर क्या लिख देना है, तीन, फिर कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो, बस ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा आप और एंटर की। अभी आप देखें यहाँ पर एन ए लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई नाम हमने दिया नहीं। अब जैसे ही हम यहाँ पर नाम दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमें नाम दे दिया अनुराग, जैसे ही एंटर की करेंगे तो आप देख लें यहाँ पर सैलरी आ गई 28,000। अब हम देख लें कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो आप देखें यहाँ पर अनुराग लिखा था और यहाँ पर सैलरी 28,000। हम कोई दूसरा नाम यहाँ पर देते हैं, हमने यहाँ पर दे दिया आकाश, तो जैसे आकाश लिखेंगे आकाश की सैलरी कितनी है, 12,500। फिर हम यहाँ पर नाम चेंज करते हैं, हमने यहाँ पर लिख दिया मान लीजिए राहुल, तो राहुल लिखेंगे तो राहुल का यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप वी लुकअप फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों वी लुकअप फॉर्मूला बहुत यूजफुल होता है, जैसे आप इस तरह से डेटाबेस आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर तो हमने कम डेटाबेस लिया, आपके पास डेटाबेस बहुत ज़्यादा हो, हज़ारों में, लाखों में, तो भी वी लुकअप फॉर्मूला हमारा बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।